कैसे हो मेरे भाइयों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल सिग्मा और डेल्टा के बीच कंपैरिजन की, और इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे ग्रैंड विटारा के डेल्टा मॉडल को जेटा मॉडल के साथ में। यानी कि आप अगर जेटा मॉडल परचेज करने का प्लान करते हैं तो डेल्टा मॉडल से कौन कौन से वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो जेटा मॉडल में आपको दिए जाते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं दोनों के फ्रंट प्रोफाइल को। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लुक वाइज आपको कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक डिफरेंस मिलता है हेडलैम्प्स के अंदर। जेटा वेरिएंट के अंदर आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए जाते हैं, जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिक का फीचर मिलता है, साथ ही इसके अंदर आपको फॉलो मी होम का फीचर भी दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप डेल्टा मॉडल पे आते हैं तो यहाँ पे जो इसकी हेडलैम्प यूनिट है वो प्रोजेक्टर वाली ही दी गई है, लेकिन इसके अंदर मिलने वाला बल्ब आपको हैलोजन मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको फॉलो मी होम और जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर है वो नहीं दिया गया। इसके अलावा सामने से और कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। बात आती है साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है दोनों के व्हील्स के बीच में। जेटा मॉडल के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे 17 इंच के प्रोफाइल के साथ आपको डुअल टोन डायमंड कट यानी कि प्रिसीजन कट वाले जो एलॉय व्हील्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं, जो कि टॉप मॉडल के अंदर भी आते हैं। सेम एलॉय व्हील्स आपको जेटा मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वहीं आप डेल्टा मॉडल पे आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है 17 इंच का प्रोफाइल तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है स्टील रिम विद व्हील कवर। इसके अलावा साइड ही प्रोफाइल में आप देखेंगे तो आपको जो क्रोम बेल्ट लाइन है वो जेटा मॉडल में दी जाती है, जो कि डेल्टा मॉडल में ब्लैक कलर में ही आती है। साथ ही साथ आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो आपको जेटा मॉडल में ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ दिए गए हैं। हालांकि डेल्टा मॉडल के अंदर भी आपको मिरर जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल तो मिल जाते हैं, लेकिन ऑटो फोल्ड के फीचर के साथ नहीं दिए जाते। यही तीन डिफरेंस है साइड प्रोफाइल से। अब आ जाते हैं रियर प्रोफाइल में, तो यहाँ पर भी एक डिफरेंस है जो कि बड़ा है। यानी कि जेटा मॉडल अगर आप लेते हैं तो आपको रियर विंडो स्क्रीन के ऊपर रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर तीनों चीजें देखने को मिल जाती हैं, जो कि डेल्टा मॉडल की रियर विंडो स्क्रीन के ऊपर मिसिंग रहती है। बात हो गई एक्सटीरियर डिफरेंसेस की, अब आ जाते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिफरेंसेस आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस आप देखेंगे इंटीरियर थीम का। तो जेटा मॉडल के अंदर आपको ना सॉफ्ट टच इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल जाता है, जिसके ऊपर प्रीमियम स्टिच आपको देखने को मिल जाती है हूबहू टॉप मॉडल वाली। यही नहीं, इनके म्यूजिक सिस्टम के अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जेटा मॉडल के अंदर आपको स्मार्ट प्ले प्रो प्लस वाला यानी कि 9 इंच स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है, जबकि डेल्टा मॉडल में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको स्मार्ट प्ले प्रो यानी कि 7 इंच की स्क्रीन के साथ टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। हालांकि दोनों के अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले और जो है अपना सुजुकी कनेक्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। एक डिफरेंस आपको इनकी स्पीकर सेटअप्स के अंदर भी देखने को मिलता है। जेटा मॉडल के अंदर आपको 4 स्पीकर 2 ट्यूटर के सेटअप के साथ अर्कमी साउंड सिस्टम ऑफर किया गया है, लेकिन डेल्टा मॉडल के अंदर आपको सिर्फ 4 स्पीकर मिलते हैं और यहाँ पर जो सिस्टम दिया गया है वो नॉर्मल टाइप का ही यूज किया गया है। नवा डिफरेंस आता है अपने डोर पैनल्स का। तो जेटा मॉडल में आप जाते हैं तो आपको जो डोर पैनल है या फिर डोर आर्मरेस्ट जिसको आप कहेंगे, तो उसके ऊपर आपको जो है प्रीमियम फिनिश देखने को मिल जाती है, जो कि डेल्टा मॉडल के अंदर आपको फैब्रिक फिनिश के अंदर ही दिए गए हैं। 10वां डिफरेंस आता है एयर बैग्स का। तो जेटा मॉडल में आपको जो है टोटल 6 एयर बैग्स ऑफर किए जाते हैं, जबकि डेल्टा मॉडल के अंदर आपको सिर्फ 2 एयर बैग ही मिलते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। 11वां डिफरेंस आता है इनसाइड रियर व्यू मिरर का। तो जेटा मॉडल के अंदर आपको इनसाइड रियर व्यू मिरर ऑटो डिमिंग फीचर के साथ मिलते हैं, जबकि डेल्टा मॉडल के अंदर आपको जो है ये मैनुअल डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ दिए गए हैं। 12वां डिफरेंस आता है एम्बिएंट लाइटिंग का। तो जेटा मॉडल के अंदर आपको जो है ना डोर पैनल्स के ऊपर एम्बिएंट लाइटिंग ऑफर की गई है, जो कि डेल्टा मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलती। और 13वां डिफरेंस आता है वैनिटी लैंप का। तो जेटा मॉडल में आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ड्राइवर को ड्राइवर बोथ सनराइजर के अंदर वैनिटी मिरर के साथ अपना जो है वो वैनिटी लैंप भी दिए जाते हैं, जबकि डेल्टा मॉडल के अंदर आपको सिर्फ वैनिटी मिरर मिलते हैं, लैंप नहीं दिए जाते। तो दोस्तों ये थे 13 डिफरेंसेस इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।